So, हम आज आए हैं गुरुद्वारा में ऑन द ओकेशन ऑफ गुरु नानक गुरु पर्व एंड यहाँ पे आज हम दिखाएंगे आपको कि कितने लोग यहाँ पे विजिट करते हैं एंड यहाँ के लंगर के बारे में भी हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बधाइयाँ ले लीजिए एंड थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहाँ के प्रेसिडेंट सर से। आज सुबह से यहाँ प्रोग्राम चल रहा है। सुबह पहला एक दीवान हुआ जो सुबह 9:30 बजे समाप्ति हुई, दूसरा दीवान 10 बजे से लगातार चल रहा है जिसकी अभी समाप्ति होगी। गुरु का लंगर चल रहा है, शाम को भी दीवान चलेगा जिसकी लगभग 8:30 बजे समाप्ति होगी। काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ लोग आज शामिल हो रहे हैं, बहुत भीड़ आप देख रहे हैं, लोगों में बहुत श्रद्धा और उत्साह है श्री गुरु नानक देव प्रकाश दिवस मनाने के लिए। गुरु नानक देव जी ने एकता और भाईचारा का संदेश दिया। जो आपने लंगर के बारे में पूछा, यहाँ पर लंगर की विशेष व्यवस्था है। ये लंगर की एक खासियत है कि श्री गुरु नानक देव जी ने आज से लगभग 550 साल पहले उस समय लंगर की प्रथा शुरू करी जो कि अब तक चल रही है। यहाँ पे लंगर में सभी बराबर हैं, सभी एक साथ बैठ के ज़मीन पे एक साथ बिना किसी भेदभाव के, छोटे बड़े के और किसी डिफरेंस के लंगर चखते हैं। लोगों द्वारा सेवा करके हाथों से लंगर बनाया जाता है, लंगर की सेवा के लंगर परोसा जाता है, लंगर सेवा की जाती है। लोग बर्तन धोने की सेवा भी खुद हाथों से करते हैं। यहाँ देखते हैं काफ़ी सेवा भाव है। बाहर में एक टीम है जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी जोड़ों की सेवा यानी जूतों की संभालने की सेवा कर रहे हैं। यहाँ बहुत बड़ा सेवा भाव लोगों में देख रहे हैं और ये श्रद्धा और उत्साह के साथ आज श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश दिवस यहाँ मनाया जा रहा है। SP सिंह सलूजा, आप सबको गुरुपुरब की बहुत सारी ढेर सारी बधाइयाँ सब सिलीगुड़ी निवासियों को। तो गाइज आपको बता दें यहाँ पे कम से कम 25,000 लोगों के लिए खाना बन रहा है आज। बल्कि आज यहाँ पे कभी भी अगर कोई गुरु पर्व होता है या गुरु नानक जी का बर्थडे होता है तो यहाँ पे ऐसे ही लंगर लगाया जाता है एंड सुबह 4 बजे से ये बनना स्टार्ट होता है एंड रात के 10 बजे तक यहाँ पे लंगर चलता रहता है। गाइज आप देख सकते हो एंड लंगर में बोला जाए तो यहाँ पे कोई भी बड़ा या छोटा नहीं, बल्कि यहाँ पे सब बराबर के हिसाब से बैठ के खाना खाते हैं। काफ़ी ज़्यादा क्वान्टिटी में यहाँ पे खाना बन रहा है जो कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हो। बड़ी बड़ी मशीनें लगी होती हैं रोटी बनाने के लिए, कई सारे लोग होते हैं यहाँ पे बनाने के लिए एंड यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि अगर यहाँ पे आप आके हेल्प करते हो प्रसाद बनाने में, लंगर बनाने में, तो काफ़ी पुण्य का काम होता है। गाइज जो कि हम यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, सब्जियों का क्वान्टिटी, रोटियों का क्वान्टिटी कंटिन्यू यहाँ सुबह 4 बजे से बने जा रहा है एंड यहाँ पे आप क्वान्टिटी तो देख ही रहे हो। काफ़ी सारे लोग साथ में मिलकर यहाँ पे लंगर बनाते हैं। गुंदा हुआ आटा यहाँ से डाला जाता है एंड वहाँ पे जो लोई होती है वो यहाँ से बन के निकलती है एंड यहीं पे वो बेल के भी साइड से निकल के एंड यहाँ पे जाती है जहाँ पे रोटियाँ यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ से लाइन से जा रही है एंड साइड से ये सेक के यहाँ पे निकलेंगे एंड क्वांटिटी यहाँ पे बहुत सारा क्वांटिटी में एक साथ बनता है एंड यहाँ पे सिकी हुई रोटियाँ निकल रही है जैसा कि आप देख रहे हो एंड यहीं पे बगल में कई सारे लोग मिलके यहाँ पे साथ में रोटियाँ पे घी लगा रहे हैं एंड यहाँ पे आप देख रहे हो कितना सारा क्वांटिटी में, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया यहाँ पे कम से कम 25,000 लोगों का खाना बनता है। गाइज हमने रोटी बनता हुआ देख लिया, अब बारी आती है सब्जी की। यहाँ पे इतने बड़े बड़े कंटेनर में आप देख रहे हो यहाँ पे सब्जियाँ बनती है एंड यहाँ पे सिर्फ एक या दो नहीं बल्कि मेरे को काफ़ी सारा कंटेनर में यहाँ पे सब्जी दिखाई दे रहा है। कुछ अभी भी बन रहे हैं, कुछ बन चुके हैं, कुछ खाली भी हो गए हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया यहाँ पे सुबह से स्टार्ट हो जाता है बनना एंड यहाँ पे अलग से ऑलरेडी सब्जी काट के रखा हुआ है जो कि बनने हैं अभी और अब ये ख़त्म होगा उसके बाद ये सब्जी भी बनेगा एंड यहाँ कंटिन्यू लोगों का लंगर चलता रहेगा रात 10 बजे तक। नमस्कार, मेरा नाम सरबजीत सिंह चावला है, मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ सिलीगुड़ी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में। अब आप ये जानना चाहेंगे कि आज हम सिलीगुड़ी गुरुद्वारा में लंगर के प्रति क्या विशेष कर रहे हैं। हमारा टारगेट है लगभग 15,000 से 20,000 लोग यहाँ आज लंगर छकेंगे, एक हमारा अनुमान है। इसमें हमने कम 20 क्विंटल से लेकर 25 क्विंटल तक का गेहूं का पकाने का हमारा प्रोग्राम है। 6 क्विंटल के आसपास हम चावल पका रहे हैं। 3,000 kg सब्जी हमने मंगाई है। 10 टीन जो है वो देसी घी के हैं। ऐसे और सामग्री सारी एकत्रित करके ये लगभग सारा दिन, ये सुबह हमने 11:30-12 बजे से लंगर शुरू किया है और ये 5-6 बजे तक लंगर जब तक हमारा चलता रहेगा, जब तक हो सकेगा हम चलाते रहेंगे। सिलीगुड़ी में आप देख रहे हैं कि जो सिख समाज की संगत है उसके अलावा जो सिलीगुड़ी वासी हैं उनको बड़ा चाह रहता है, बड़ी
बड़ी उम्मीद रहती है कि जैसे ही गुरु नानक जयंती आती है सब लोग उमड़ के आते हैं यहाँ पर और प्रसाद ग्रहण करना, लंगर ग्रहण करना जरूर चाहते हैं। धन्यवाद। सो गाइज, हमने भी प्रसाद खा लिया है एंड हम हमारे घर के लिए भी लेके जाएंगे। एंड आपने तो वीडियो पूरा देख ही लिया, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ 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 वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, हमारे पेज को फॉलो कर दीजिएगा। हम ऐसे ही और भी अमेजिंग कॉन्टेंट के साथ आपके पास आते रहेंगे। थैंक यू।